पंजाब में नशा थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक नशे के मामले सामने आते जा रहे हैं। जी हां, भारत पाक सरहद ICP पर कस्टम विभाग ने पाकिस्तान से आए नमक के ट्रक में 332 किलो हीरोइन और 52 किलो नशीला पाउडर बरामद कर बड़ी सफलता हासिल की है। साथ ही साथ एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि हीरोइन की अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत 27,000 करोड़ रुपए है। वहीं अधिकारियों की माने तो इतनी बड़ी खेप कभी पहले नहीं पकड़ी गई थी। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान से आए ट्रक की शक के आधार पर तलाशी ली गई थी, तो हीरोइन के 14 बैग बरामद हुए और तथ्यों के आधार पर जांच जारी है। This is during our examination. We have our examination system very, very foolproof and robust, because of which we are able to make. They dare to. People are so desperate that they are not scared of taking a chance, I guess. Sir, नमक तो काफी सालों से आ रहा है, क्या पता चलेगा कब से नमक में आ रही थी? नहीं सर, गुरपिंदर सिंह से जो आपने पहली पूछताछ करी सर, उसने कुछ जानकारी दी कि ये पहली असाइनमेंट में ये सामान उन्होंने जानबूझ के भेजा के क्या किसी ने मंगवाई थी उसके बीच? अभी आई थिंक इसको रिवील करना ठीक नहीं होगा। दीपक जी, आपके पास स्कैनर नहीं है लेकिन पाकिस्तान के पास स्कैनर भी है। दे मस्ट हैव गोन थ्रू दैट स्कैनर। सो आर यू सस्पेक्टिंग देयर ऑफिशियल्स इन्वॉल्वड इनटू इट और समवन? आई वुड रादर नॉट कमेंट ऑन दैट सर। क्या आपने सारी ये कमेंट ऑन कहीं ना कहीं लैप्स तो हुआ है, अदरवाइज वहाँ से नहीं आ सकता। जैसे पिछले बार सोना भी आया था, 32 किलो सोना भी आया, तो कहीं ना कहीं लैप्स तो हुआ होगा। 200% ड्यूटी है इतना कम है कि 200% ड्यूटी के बाद भी उसका कुछ ज़्यादा वैल्यू नहीं है। ये तो एग्जामिनेशन के बाद पता चला कि इसमें हुआ है। एंड लिसन टू मी, इट टेक्स हेल लॉट ऑफ टाइम। इट टुक अस द एंटायर नाइट टू इन्वेंटराइज द कार, राइट? सो वी कैन नॉट शूट ऑफ एनी स्टेटमेंट जस्ट लाइक दैट। इट्स अ लॉट ऑफ इंप्लिकेशंस। इनिशियली इट टुक अस द एंटायर नाइट। In fact, they are coming straight from the attack. सर, क्या आपने कस्टम पाकिस्तानों से इस संबंध में बात करी कि यहाँ आप अभी नहीं करेंगे? करेंगे सर। ये जो तारिक अहमद लोन, इसका किसी टेररिस्ट आउटफिट से कोई संबंध निकला है? अभी तक तो नहीं, अभी मतलब इन्वेस्टिगेशन। अमृतसर से ललित शर्मा की रिपोर्ट।